हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा, और जब मेरे चैनल पर न्यू है तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियोज़ को लाजमी वॉच कीजिएगा। मेरी स्किन देखो कैसे ग्लो कर रही होगी, क्योंकि आज मैंने शीट मार्क्स लगाया है। और मेरी न्यू चैनल पर जो है ना, इसका मुझे ट्यूटोरियल मिल जाएगा मेकअप वाले। डिसीजन में चैनल का मैं लिंक दे दूँगी। लाजमी अगर जाना है वॉच करनी, वीडियो सब्सक्राइब करना। तो आज मैं बनाने लगी हूँ टिक्का। और मैंने कहा रोज़ ही, मतलब सालर कुछ इस तरह डिशेज में कुछ डिफरेंट सा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी मम्मा इस प्रोसेस से बनाती होती थी, तो मैंने कहा आप सबसे शेयर करती हूँ। गाइस, मैंने बताया था जो बना लेती हूँ टिक्का। तो टिक्का बनाने के लिए मैं किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, दही की और चिकन की और टिक्का मसाला और अदरक लहसुन, और इसमें मैंने कूटी हुई मिर्ची सब हम लोग मिक्स करके साथ ही कूट लेते हैं, ठीक है। इसमें अदरक लहसुन और कूटी हुई मिर्ची सब कूटा हुआ है, और इसको मैं जो ना मैरिनेट करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने चिकन वॉश कर ली थी, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही के अंदर। और ये जो अदरक लहसुन और कूटी हुई मिर्ची, ये भी डाल लेंगे इसमें। तकरीबन ये एक टी स्पून दिया है, एक टी स्पून और हाफ। और टिक्का मसाला, शान का टिक्का मसाला, बाकी लाल मिर्च का, तो अभी इसमें लाल मिर्ची भी डाल रही हूँ मैं। लाल मिर्ची नहीं है, मिक्स मसाला। मिक्स मसाला कौन क्या है सही जैसे डाल दे सारे। स्पाइसी बनाना है कि इसको मैरिनेट कर लेंगे। ऐसे करेंगे चम्मच के साथ, मिर्चा लग गई है हाथ। मैरिनेट करके कुछ देर के लिए रख देंगे, 15-20 मिनट के लिए हम इसको जो ना मैरिनेट करके रखेंगे। सारे मसाले को मैंने अच्छे से पूरा मैरिनेट कर लिए, इसको मैं 20 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। मैरिनेट हो चुके हैं ये, 20 मिनट्स हो गए हैं। तो अब मैं तेज की में इसको स्टीम दूंगी, ठीक है। तो इसमें ऑयल डाल लेंगे, ऑयल डालो सर। इसको मिक्स वगैरह बिल्कुल नहीं करना, चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, जब उड़ाना बस ऐसे स्टीम में इसको जो है ना, इसकी आंच से कितनी रखनी है। हाँ, 20 मिनट के लिए इसको मैं स्टीम पे छोड़ दूंगी। मेरी मम्मा बनाती होती थी ऐसे। हांडी है, बहुत टेस्टी बनता है खाना। ये पंजाबी हांडी है, पंजाबी मुझे बहुत पसंद है ये हांडी।
ठीक है, तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने स्टीम पे रख दी है। उसके बाद 20 मिनट बाद हम देखते हैं फिर। तो गाइस हमारा टिक्का रेडी है, बताना कैसा बना। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, तो अगर कोई गलती वगैरह मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माजरा चाहती हूँ। ऐसे ही आस्ता आस्ता आता बनाना। वही मैं इसको टेस्ट करूँगी पार्टनर के साथ, वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। सो चुके हैं हमारा, तो इसको डिश आउट करेंगे। चलो निकालना भाभी। किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है गाइस बताना। आपके आ रहा है बाजी? मम्मा ऐसे बनाती होती थी तो मैंने मम्मा वाली रेसिपी जो है ना ट्राई की आप सबके साथ। और इसको आज कोयले मिले नहीं है, वरना कोयलों के साथ जो है ना अंदर रख के थोड़ी देर स्टीम देते हैं इसको। ये मसाला भी निकाल लो ना, पहले सिर्फ गोटियां दिखा। ये मसाला निकालो तो ऊपर ऊपर जो है। तो फिर मैं करने लगी इसको टेस्ट। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, मुझे नहीं पता कैसा बना है। तो मैं नींद भी आ रही थी, ऊपर भाभी ने मुझे ब्रेक फूड दिया था, कहते थे ये ले जाओ तो खा लेना। और सर ने चावल बनाए थे बटर वाले, साथ में उससे बनाया पराठा। तो अभी मैं करती हूँ इसको टेस्ट, उससे पहले मैं पी लूँ पानी। पहले पानी पी लूँ। पता नहीं कैसा बना है, फर्स्ट टाइम बनाया है। मुझे घर पे बहुत डांट पड़ती है कि सब गुस्सा करते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। मैं क्या करूँ, ट्राई करूँगी तो बनाना आएगा ना। मैंने निकाल ली थोड़ी सी, इसको करूँगी टेस्ट। तो प्रेज द लॉर्ड, शुक्र है खुदा वर्ड सब सी तरह। आप भी आ जाओ। नॉट बैड, बहुत यमी बना है, बहुत अच्छा बना है। मसाले भी सब इक्वल है, बहुत मज़े का। इनफैक्ट आज अलीशा भी आने वाले, उसको मैंने बताया था मैं टिक्का बनाने लगी, कहते जल्द मैं जॉब से आते हुए आऊँगा। बहुत मज़े का है, बहुत यमी है, सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया। तो आप सब भी टेस्ट करो, बहुत यम्मी है। आज मेरी वीडियो यहीं तक थी। मैं दुआ में बहुत याद रखना, मुझे बहुत सपोर्ट कीजिएगा, मुझे सबकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है।